सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 सर्वाइवल गेम्स बताने वाला हूँ। हाँ भाई, सर्वाइवल गेम्स यानी ऐसे गेम्स जिसके अंदर है ना आपके पास लिटरली कुछ भी नहीं होता भाई, ना रहने के लिए घर होता है, ना खाने के लिए खाना होता है, ना पीने के लिए पानी होता है भाई, सब कुछ आपको ही करना होगा। जैसे कि घर बनाने के लिए भाई पेड़ वगैरह काटो, वो लकड़ियों से घर बना लो, खाने के लिए कोई भी एनिमल को यहाँ पर हंट करो, खाना खा लो, समंदर का पानी पी लो भाई, ऐसे करके ठीक है। बहुत ही कमाल कमाल के गेम्स होने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अच्छी तरीके से वॉच कर लेना। और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, क्या करे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं नंबर 5th वाले गेम के बारे में, जिसका नाम है डेड सर्वाइवल आईलैंड 2। हाँ भाई, ये बहुत ही ज्यादा एक कमाल का सर्वाइवल गेम है, जो कि है ना पीसी के ऊपर था, लेकिन भाई अब फाइनली मोबाइल फोन के लिए भी आ चुका है एंड इसका साइज भी ज्यादा नहीं होगा भाई। ये गेम है ना स्पेशली लो एंड डिवाइस के लिए बना है। बात करें हम इस गेम के बारे में, तो देखो यार, इसके अंदर भी है ना आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब ट्रीज वगैरह कट करके आपको कुल्हाड़ी वगैरह बनाना है एंड उससे बहुत सारे वेपन्स वगैरह बनाना है। एंड इसके पास मतलब इस गेम के अंदर ना आपके पास ऑलरेडी एक पिस्तौल या फिर एक गन होती है, जिसके थ्रू आप एनिमल्स को यहाँ पर एनिमल का शिकार कर पाओगे, उनका मीट वगैरह खाकर सर्वाइव कर लेना। और इस गेम के अंदर आपको यहाँ पर खुद का घर वगैरह बनाना है भाई, क्योंकि रात में ना ज़ॉम्बीज वगैरह आते हैं, तो उनसे बचने के लिए खुद को मतलब आपका यहाँ पर घर वर रहना चाहिए भाई, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर घर वर बना के भाई अच्छी तरीके से सर्वाइव कर लेना, बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एंड बात करें हम इस गेम के साइज की, तो वो होने वाला है 100 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 4th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है राफ्ट सर्वाइवल ओशियन नोमैड। हां भाई, ये बहुत ही ज्यादा एक यूनिक टाइप का सर्वाइवल गेम होने वाला है, ठीक है। इस गेम के अंदर आपको सर्वाइव तो करना है, लेकिन कहां, ओशियन के ऊपर, मतलब एक बहुत बड़ा समंदर होगा यार, उसके ऊपर आप लकड़ी के टुकड़े के ऊपर मतलब यहां टिके होंगे एंड आपको यहां पर आसपास बहुत सारे सामान पड़ा होगा, ठीक है आपके, तो वो सामान को आपको कलेक्ट करना है एंड आप लकड़ी के टुकड़े को ना बड़ी जहाज के अंदर कन्वर्ट कर देना, मतलब उसको ही जोड़ जोड़ कर उसके ऊपर यहाँ पर घर के जैसा वगैरह बना करे ना बड़ी जहाज में कन्वर्ट करना। एंड यहाँ पर पानी से ही आप मच्छी वगैरह पकड़ कर उसको खा भी सकते हो, मतलब फिश वगैरह पकड़ लेना एंड उसको यहाँ पर पका कर खा भी सकते हो, ठीक है। तो काफी ज्यादा एक कमाल का यूनिक टाइप का सर्वाइवल गेम है, तो चाहो तो इस गेम को भी ट्राई कर लेना। एंड बात करें हम इस गेम के साइज की, तो वो होने वाला है 120 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 3rd वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है पाथ ऑफ टाइटंस। हाँ भाई, ये है ना सबसे हट करके सर्वाइवल गेम होने वाला है। इसके अंदर आप इंसान नहीं बल्कि एक डायनासोर का रोल प्ले करते होते हो, ठीक है, मतलब आप इसके अंदर है ना एक छोटे से डायनासोर होते हो, तो आपको यहाँ पर सर्वाइव करना होगा, वो भी किससे, बड़े बड़े डायनासोर से बचकर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े डायनासोर होते हैं जो कि आपको खा भी सकते हैं, ठीक है। तो उनसे बचकर आपको रहना है एंड आपको यहाँ पर सर्वाइव करना है। आप भी यहाँ पर थोड़े बहुत खाना वगैरह खाओगे ना, तो आप धीरे धीरे बड़े होते जाओगे। अगर आप बड़ा डायनासोर बन जाओगे ना, तो आप बड़े डायनासोर के साथ भी यहाँ पर घूम पाओगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा कमाल का एक डायनासोर वाला गेम है भाई। जितने भी बंदे इंटरेस्टेड हैं, तो चाहो तो इस गेम को ट्राई कर लेना भाई, डायनासोर की पूरी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। एंड बात करें हम इस गेम के साइज की, तो वो होने वाला है 110 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 2nd वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है लॉस्ट इन ब्लू। हाँ भाई, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का स्टोरी लाइन बेस्ड सर्वाइवल गेम होने वाला है। इसके अंदर है ना आप बेसिकली एक प्लेन से जा रहे होते हो, ठीक है, एंड अचानक से भाई वो प्लेन क्रैश हो जाता है एंड आपके साथ बहुत सारे लोग भी बैठे होते हैं, तो वो प्लेन जाकर है ना सीधा जंगल के अंदर गिर जाता है एंड ब्लास्ट हो जाता है एंड आपके साथ जितने भी बंदे बैठे होते हैं ना, वो सारे के सारे मर जाते हैं, सिर्फ आप ही यहाँ पर जिंदा बचते हो। तो आपको यहाँ पर जंगल के अंदर सर्वाइव करना होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होता भाई, तो आपको यहाँ पर खाना वाना ढूंढना होगा, पानी ढूंढना होगा, रहने के लिए घर वगैरह बनाना होगा। तो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का गेम है, तो चाहो तो इस गेम को ट्राई कर लेना। एंड बात करें हम इस गेम के साइज की, तो वो होने वाला है 800 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है मिशन इवो अर्ली एक्सेस। हाँ भाई, जब सर्वाइवल गेम्स की बात हो रही हो एंड ये गेम उसके अंदर ना आए भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे बेस्ट अगर आप सर्वाइवल गेम ढूंढ रहे हो मोबाइल फोन के लिए, तो भाई इससे बेस्ट है ना आपको कोई भी गेम नहीं मिलेगा भाई। बहुत ही ज्यादा कमाल का गेम है, ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम होने वाला है एंड इसके अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे भाई। इसके अंदर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, अपना घर बना सकते हो, शिकार पर जा सकते हो, यहाँ पर तीर वगैरह चला सकते हो, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स को मार कर खा सकते हो, पका कर खा सकते हो, मतलब हर एक चीज इसके अंदर आपको मिल जाएगी भाई। तो काफी ज्यादा कमाल का गेम है भाई, चाहो तो ट्राई कर लेना। और आपके पास मिनिमम यहाँ से 3 से 4 GB रैम का डिवाइस है ना, तब तो भाई ये गेम बिल्कुल इजीली चल जाएगा। बात करें हम इस गेम के साइज की, तो वो होने वाला है 860 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आता है। तो यही थे यार आज वाली वीडियो के कुछ कमाल के गेम्स। आई होप भाई एक ना एक गेम आपको जरूर से पसंद आए होंगे। बाकी यार कॉमेंट सेक्शन में जाकर ये जरूर से बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किन गेम्स के ऊपर बनाऊं, तो फटाफट से कॉमेंट कर देना। और अभी तक जिसने भी
वीडियो को लाइक नहीं किया भाई क्या कर रहे हो, फटाफट से लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।